जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल लिया था स्पेसिफिक हीट का अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट केस में हम लोग लेकर के चलेंगे हाई टेम्परेचर, यानी कि जो टी का जो वैल्यू रहेगा वो मच 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 ग्रेटर देन रहेगा आइंस्टीन टेम्परेचर। ये थीटा ही क्या है हमारा, आइंस्टीन टेम्परेचर है, जो पार्ट वन में हम लोगों ने इसको कंसिडर किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उल्टा के लिख देंगे। ये थीटा ई को इधर लिखेंगे और टी को उधर लिखेंगे। ये मच मच ग्रेटर देन टी है, टी जो है वो मच मच ग्रेटर देन है थीटा ई का, ठीक है। अब हम लोग इस टी को नीचे ले आएंगे तो यहां वन बचेगा, अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो फिर से यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि e का पावर x रहता है तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है x का पावर 0 फैक्टोरियल 1 प्लस x का पावर 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है। उसके बाद x का पावर 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल का दो सिंबल है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, x किसी का भी पावर 0 रहेगा तो वो होता है 1, और फैक्टोरियल 0 का मान भी होता है 1। उसके बाद x का पावर 1 यानी कि x फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1। उसके बाद x स्क्वायर है फैक्टोरियल 2 यानी कि 1 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरह का एक एक्सप्रेशन होता है e का पावर x का। तो इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं और डायरेक्ट लिख दिए हैं। फर्स्ट टर्म 1 आता है, अभी हमने आपको बताया। उसके बाद देखिए, 1 वाला टर्म को हम लोगों ने लिखा यहां पर, x का काम ये कर रहा है तो x का पावर 1 फैक्टोरियल 1, x का पावर 2 फैक्टोरियल 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेगलेक्ट कर देंगे हायर पावर का, क्यों, क्योंकि देखिए ये थीटा e by t जो है वो बहुत छोटा है 1 से, और बहुत छोटा है 1 से, मान लीजिए इस तरह से 0.00001, और इसका स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो हायर पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि हायर पावर करने के बाद ये जीरो के बहुत करीब पहुंच जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करने के बाद हम लोग सिर्फ यहां तक कंसिडर करेंगे, बाकी हायर पावर को हम लोग नेगलेक्ट करके e का पावर थीटा e अपॉन में t का वैल्यू सिर्फ हम लोग लेकर के चलेंगे 1 प्लस e का पावर थीटा e बाई टी, ठीक है। अब हम लोग बात क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू इक्वेशन 7 का इक्वेशन 6 में, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए, e का पावर थीटा ई अपॉन में टी है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ है तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ इसको पुट कर देंगे, ये पुट किया हुआ है और ये पुट किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ 1 से 1 मर जाएगा, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में मर जाएगा, तो नीचे में थीटा ई अपॉन में टी का होल स्क्वायर और ऊपर में भी है, तो ये इससे मर जाएगा, तो बचेगा क्या, 3nk और ये टर्म, 3nk और ये टर्म बच गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, टी को हम लोग मान लेंगे टेंस टू जीरो, टी को हम लोग मान लेंगे टेंस टू इन्फिनिटी, कितना, इन्फिनिटी के लगभग बराबर मानेंगे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी देगा 0, यानी कि ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, कितना हो गया, 0 हो जाएगा, अगर हम लोग टी को इन्फिनिटी टेंस्ट कर ले, मान ले, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ बचेगा क्या, 3nk बचेगा, ये 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा। हम लोगों को पता है कि r का जो वैल्यू होता है वो nk होता है, क्या होता है, ये गेम्स कांस्टेंट जो है वो nk के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो यहां पर ये cb जो है वो 3r के बराबर है हाई टेम्परेचर पर, किस पर, हाई टेम्परेचर पर 3R के बराबर है। और देखिए, यही बात डुलोंग पेटिट साहब ने भी कहा था, डुलोंग पेटिट साहब ने कहा था कि हाई टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट होता है सोलिड का वो 3R के बराबर होता है, तो दोनों मैच कर गया। अब आगे की कहानी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो माने मेरी जान, अभी बात नहीं होगी, एग्जाम आ गए हैं, तुम्हें अपने ब्लॉक लिस्ट में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी बात। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस जो है वो लो टेम्परेचर के लिए है, यानी कि जो आइंस्टीन टेम्परेचर रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो अब इसको हम लोग उधर उठा के ले जाएंगे, यानी कि थीटा ई अपॉन टी जो रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा किससे, 1 से, कितना, बहुत ज्यादा, मच 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 ग्रेटर देन 1। अब देखिए, अगर थीटा ई अपॉन टी बहुत ज्यादा बड़ा है 1 से, तो एक बात बताइए कि एक समंदर से अगर हम लोग एक लोटा पानी, एक बाल्टी पानी अगर हम लोग बाहर ले लें तो क्या समुद्र में पानी कम हो जाएगा, नहीं ना। तो वही चीज है, अगर ई का पावर थीटा अपॉन टी
इसमें से अगर हम लोग वन रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही के बराबर हम लोग मान सकते हैं, वही हम लोग अप्रॉक्स हम लोग मान लिए, ठीक है। अब इक्वेशन छः हम लोग जानते हैं, ये है हमारा इक्वेशन छः। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन छः ही है, ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाले थे सी वी का वैल्यू। अब देखिए इसका बदले में हम लोग सिर्फ वन को रिमूव कर देंगे, वन को हटा देंगे। अब देखिए ये टर्म सेम है, तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर नीचे में दो है, तो एक मर जाएगा, तो बचेगा क्या, थ्री एन के थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, और नीचे में बचा है, ठीक है, ये नीचे में बचा है थ्री एन के थीटा ई बाई टी अपॉन होल स्क्वायर, अपॉन में है थ्री एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी, ये नीचे में बचा है। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ पावर यहाँ पर जो है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। द सीवी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज, सीवी जो है वो डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ पर पावर, इसका एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस, इसलिए डिक्रीज, प्लस रहता तो इंक्रीज होता, ठीक है, तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, चूंकि क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई का पावर माइनस थीटा ई अपॉन में टी का, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सी वी का वैल्यू जीरो कब होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर टी को हम लोग जीरो ले लेते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर टी को हम लोग जीरो ले लेते हैं, तो ये जीरो लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि ई का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसी का पावर इन्फिनिटी मतलब वो इन्फिनिटी, और ऊपर में जो है हमारा थ्री एन के, थ्री एन के अपॉन में टी का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब वन अपॉन इन्फिनिटी पूरा होता है जीरो, यानी कि इसको हटा के हम लोग इधर जीरो लिख सकते हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो ये पूरा सीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी का मतलब जीरो, इसके साथ जीरो टकराएगा और जीरो में मिला देगा इसको, ठीक है, तो इसीलिए ये जीरो होगा, ठीक है। हेंस इन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट मैसेज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स एज हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो टेम्परेचर, यानी कि आइंस्टीन का जो थ्योरी है वो लो टेम्परेचर पर भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को मैच करता है और हाई टेम्परेचर पर भी करता है। इसके बाद अब देखिए आइंस्टीन बाबा का भी थ्योरी में थोड़ा सा लिमिटेशन हो गया था, उस लिमिटेशन को और एक इसका जो ग्राफ है वो अभी हम लोग देखेंगे और उसके बाद वीडियो हो जाएगा समाप्त। तो देखिए आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट का जो लिमिटेशन है वो दो यहाँ पर है। पहला ये है कि इन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट सीवी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट में क्या था कि जो सीवी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, बट इन रियलिटी इट डिक्रीजेस लीनियरली, ये लाइन में एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज करता है, एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया। लेकिन आइंस्टीन साहब का जो थ्योरी बताता है वो बोलता है कि ये क्या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा इस तरह से कर्व लेके, ठीक है। दूसरा बोलता है कि वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर आइटम डिपेंड्स अपॉन नेबर, यानी कि जो एक पार्टिकल रहेगा वो उसका जो वाइब्रेशन रहेगा वो उसके पड़ोसी एटम्स पर ही निर्भर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक डायग्राम बनाना है, यहाँ पर देखिए ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन क्या है, एक्सपेरिमेंटल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आइंस्टीन बाबा आइंस्टीन साहब का कर्व, जो आइंस्टीन साहब का थ्योरी है उसका कर्व है, ठीक है। इधर देखिए लो टेम्परेचर पर, यहाँ पर रूम टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, क्या रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये क्या है रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद इधर क्या हो जाता है, इधर हाई टेम्परेचर हो जाता है और ये लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में तो क्या है, लो टेम्परेचर में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है और हाई टेम्परेचर में 3R के बराबर है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, धन्यवाद।